साइकोसोमेटिक डिजीज होती है तो ये चीजें, साइकोसोमेटिक डिजीजेस जनरली टेक टाइम टू क्योर बिकॉज दे आर डीपली रूटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड उस केस में क्या होता है कि आप दवाइयां लेते हो, ऑफकोर्स आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट यू शुड नॉट टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स गाइडेंस, बट पैरेलली इफ यू वर्क ऑन योर माइंड, पैरेलली इफ यू रीप्रोग्राम योर माइंड इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू कम आउट ऑफ दैट पैटर्न, योर बॉडी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग द मेडिसिन एंड देन ऑटोमेटिकली यू सी दैट योर रिजल्ट्स आर बिकमिंग फास्टर। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके बॉडी ने एक्सेप्ट करना चाहिए सामने से जो भी मेडिसिन आती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मेडिसिन लेते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, या मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन जैसे छूट जाती हैं वापस चीजें बैक टू स्क्वायर वन। वेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, जिम छोड़ दिया, स्लिमिंग सेंटर छोड़ दिया, डाइट छोड़ दी, फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन वेट, बिकॉज वेट ऑल्सो वेट डजेंट लाई इन द बॉडी, इट्स लाइज इन द बॉडी बट इट स्टार्ट्स इन द माइंड। तो यहाँ पर जब हम हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं तो हिप्नोथेरेपी इज कम्प्लीटली वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू टूडे, वेदर इट इज अ हेल्थ इशू, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप इशू, या जो भी आपको दिक्कत है। हिप्नोथेरेपी में सबसे मेन आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर में आता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर में आने के बाद उसके ऊपर जो इम्प्रिंट किया जाता है दैट वर्क्स एज अ परमानेंट इम्प्रिंट। अभी आप कहोगे कि फिर सब लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं क्या, तो तीन तरह के लोग हिप्नोटाइज बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट इज दोज हु आर मेंटली रिटार्डेड, बिल्कुल वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते हैं। सेकंड इज चिल्ड्रन बिलो 5 years शुड नॉट बी हिप्नोटाइज, रादर यू शुड नॉट ट्राई। एंड थर्ड इज देयर इज अ बिग ट्राइब इन द वर्ल्ड व्हिच ऑलवेज कम्स विद द वॉन्ट ऑफ फाइट मोड, चल तू मुझे हिप्नोटाइज करके बता। जो लोग कभी चेंज ही नहीं होना चाहते वो कभी भी हिप्नोटाइज नहीं हो पाते। या आप हिप्नोटाइज की बात करते हो और भी जितने भी थेरेपीज है, चाहे एनएलपी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वॉट एवर थिंग्स यू डू, इफ द पर्सन इज इनटू अ मोड ऑफ वॉन्ट चैलेंज मोड कि चल तू मुझे ये चेंज करके बता, तो वो कभी भी चेंज नहीं होते। इसके लिए एक मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत से लोगों ने पहले भी सुनी है, जिन लोगों ने मेरे पहले वर्कशॉप अटेंड किए। देयर वॉज अ पर्सन who always thought that he is a dead person, and shaadi hui, bacche hue, sab hua, but phir bhi uske dimag mein ye pakka tha that he is a dead person. Now aage bacche wagaira hone ke baad phir wapas uske ghar wale usko bole ki bhai ja tu sab kuch kar raha hai, how are you having that belief? To wo kisi ek acche doctor ke paas gaya, maybe aap mein se bhi koi acha doctor hoga, to doctor ke paas gaya, doctor ne usse pucha that how can you say that you are a dead person because you have children, you have wife, you have your life, you are living. So bola no, still I believe that I am a dead person. So phir usse doctor ne pucha can dead person bleed? To usne kaha no, how can a dead person bleed, dead person can't bleed. So doctor ne ek scalpel liya, uske haath pe wound kar diya. So those who are attending the workshop first time, those who are attending this webinar first time, what do you think he must have answered? क्या आंसर किया होगा उसने? जब डॉक्टर ने उससे पूछा दैट डू डेड पीपल ब्लीड, तो उसने कहा नहीं, डेड पीपल कांट ब्लीड। बट जब डॉक्टर ने स्केपल उसके हाथ पे मारा तो उसने एग्जैक्टली क्या कहा होगा? एनी आइडिया? ही माइट टोल्ड द डॉक्टर दैट आई एम अलाइव। ओके, और किसी को कोई आइडिया है क्या बोला होगा? दर्द हो रहा है। ओके, और क्या कहा होगा? एनीवन? सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा उसको, हाँ मैं डेड नहीं हूं। ओके, और ही रिप्लाइड दैट ओ आई डिडंट न्यू दैट इवन डेड पीपल ब्लीड। उसने रिप्लाई किया दैट ओ आई डिडंट न्यू दैट इवन डेड पीपल कैन ब्लीड।
मतलब जो इंसान चेंज ही नहीं होना चाहता है, आप कुछ भी करो उसके लिए वो चेंज नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया की हिप्नोथेरेपी या कोई भी थेरेपी कभी भी काम नहीं करेगी। चाहे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एनएलपी, कहीं भी जाओ, ऐसे लोगों के लिए कोई भी थेरेपी दुनिया में काम नहीं करती है, ना कभी करेगी। बिकॉज इट बिलीव, इट ऑलवेज वर्क वेन यू बिलीव इन समथिंग। कि अगर आप यकीन मानते हो तो डेफिनेटली होगा। मराठी में जैसे एक कहावत है, मानला तो देव, ना ही मानला तो दगड़, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। सो एनीथिंग व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन, एंड टुडेज वर्कशॉप आल्सो, टुडेज वेबिनार इज आल्सो कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट, दैट हाउ एग्जैक्टली डू यू बिलीव दैट यू वांट टू सी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाउ एग्जैक्टली डू यू वांट टू सी दैट यू कैन मेक अ चेंज इन योरसेल्फ। एंड हिप्नोथेरेपी ऐसी इतनी फास्ट काम करती है दैट यू विल नॉट बिलीव दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन सी द चेंजेस। चाहे किसी का एडिक्शन हो, चाहे किसी को हेल्थ इश्यूज हो, एंड आज हम लोग कुछ एक दो तीन लाइव डेमोज भी देखेंगे वेयर यू विल सी दैट हाउ एग्जैक्टली हिप्नोथेरेपी कैन मेक चेंजेस इन योर लाइफ, लाइव कर देंगे। बट इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप में से पहले कभी किसी ने कोई भी एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, स्पेशली अगर कोई वेबिनार अटेंड किया है या कोई बुक पढ़ी है, बहुत से ज्ञानी लोग होंगे यहाँ पे, तो अगर किसी ने पहले पढ़ी है तो भी बता दीजिए, सो दैट वी कैन वर्क एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न। और किसी ने पहले पढ़ा हुआ है हिप्नोसिस? सर मैंने पढ़ा हुआ है हिप्नोसिस। हाँ जी मैडम, यस। व्हाट इज योर आईडिया अबाउट हिप्नोसिस? इट वर्क्स वेरी नाइस। Okay. It goes into your subconscious mind and change the belief. जो अंदर भरा हुआ होता है ना उसको open up करता है and it actually brings you out with a fresh breathing. Okay. Can I request you to put on your camera? We'll just yes, sir. Small demo. Yes. I'll put you on the main screen. Good evening. Good to see you. Yes, sir. Same here. एक कोशिश करते हैं। Okay. Close your eyes. Now, take your hands exactly in front of you. Exactly in front of you. दोनों हाथ सामने दे दो. Just one second. सामने इस तरह से. अच्छा. हाँ ये. अभी खुले छोड़ दो, बट ऐसे करने हैं, अभी खुले छोड़ दो सामने। नाउ क्लोज योर आईज एज यू आर लिसनिंग माय वॉइस। व्हाइल आई एम काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यू विल स्लोली गेट योर पाम्स क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड एट द काउंट ऑफ 1 यू विल क्लिंच योर पाम्स वेरी टाइटली। इट विल बी ग्लूड completely as if you have applied a very strong adhesive. While I start counting from 3 to 1 after the 1 process, take a deep breath. 10, your palms will come closer and closer and closer and closer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, at the count of 1, it will be completely clinched, your fingers will be clinched with each other. 3, 2, 1, complete tight. It's as tight as it has been glued by the strongest adhesive in the world. It's as tight as it has been glued by the strongest adhesive in the world. Now, as I'm counting from 5 to 1, your hand will become tighter and tighter and tighter, and the fist will become tighter and tighter and tighter. और ज्यादा टाइट हो जाएगी। जितनी आप छुड़ाने की कोशिश करोगे उतने हाथ और ज्यादा वहीं के वहीं टाइट हो जाएंगे। जितने ज्यादा आप छुड़ाने की कोशिश करोगे उतने ही हाथ आपके और टाइट हो जाएंगे। जितने ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करोगे आपके हाथ और टाइट हो जाएंगे। जैसे मैं 3 से 1 तक कहूंगा आपके हाथ बिल्कुल सीधे रखने, आपके हाथ बिल्कुल सीधे होंगे। 3, जितना ज्यादा मैं नीचे काउंट जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं अब नीचे जाऊंगा उतना आपका हाथ और ज्यादा सख्त टाइट हो जाएगा, और टाइट हो जाएगा। जितना खोलने की कोशिश करोगे उतना और ज्यादा टाइट हो जाएगा, बिल्कुल हाथ नहीं खुलेगा, बिल्कुल हाथ और टाइट हो जाएगा, बिल्कुल क्लिच हो जाएगा। 3,
जब तक मैं रिलीज का कमांड नहीं दूंगा पांच कहने के बाद, तब तक वो हाथ बिल्कुल वहीं के वहीं सख्त हो जाएगा, बिल्कुल आप खोल नहीं पाओगे। 3, 2, 1, complete tight. The more you try to open it, the more it will be clenched. The more you try to open it, the more it will be clenched. The more you try to open it, the more it will be clenched. The more you try to open, the more it will be clenched. और ज़्यादा tight आपकी उंगलियाँ पूरी तरह से tight हो चुकी हैं। पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। अब आप धीरे धीरे आपका आपके अंगूठों में आपको बिल्कुल प्रेशर महसूस नहीं होगा, बिल्कुल पूरी ताकत आपके हाथ की इतनी टाइट हो जाएगी कि आप पूरी तरह से आपका हाथ क्लिंच हो चुका है, अब धीरे से अब आप आंखें खोल के हाथ खोलने की कोशिश कीजिए। अब आपका हाथ बिल्कुल टाइट हो चुका है, आपकी उंगलियां बिल्कुल टाइट हो चुकी है, बिल्कुल टाइट है। हाथ खोलने की कोशिश कीजिए, जब तक मैं रिलीज का कमांड ना दो बिल्कुल उंगलियां नहीं खोलेंगी। कोशिश कीजिए, आपका हाथ बिल्कुल टाइट है। जितना ज्यादा आप खोलने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा टाइट हो जाएगा, और टाइट हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वंडरफुल सर, इट वाज लाइक एक शब्द में बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ कि लाइक इट वाज लाइक माय फिंगर्स वर ट्राइंग टू मूव अपार्ट बट माय थंब वाज होल्डिंग होल हैंड एंड इट वाज जस्ट मेकिंग माय आर्म्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर वेयर आई वाज नॉट एबल टू होल्ड इट। इट वाज दैट मोमेंट दैट आई वाज होल्डिंग इट विद द पेन आल्सो बट इट वाज नॉट एबल टू अपार्ट इट, जो हाथ अलग नहीं हो पा रहे थे तब। थैंक यू Thank you. So this was a small, like we will be doing many things and also we'll be doing some live techniques. So aapke life mein aage aapko kaam aa jayenge. It works amazingly because finally hypnosis works when your mind is ready to accept that yes, you need to work on yourself. Jin logon ko change hi nahi hona hota hai, un logon ke life mein hypnosis ka 1% bhi fark nahi padta hai. And main janta hu aap yahan sab log baithe ho kyunki aapko aapki life mein change karna hai. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाए, इसीलिए आप सब आपका कीमती समय यहाँ देके बैठे हो। मैं ये भी जानता हूँ क्योंकि जब मैं अभी अगले पार्टिसिपेंट को किसी को बुलाऊंगा तो डेफिनेटली दे विल विलिंगफुली कम फॉरवर्ड एंड मे बी वो अपने शुगर के टेस्ट भूलना पसंद करेंगे। मैं ये भी चाहूंगा कि अगला पार्टिसिपेंट जो भी आएगा वो अपने शुगर के टेस्ट पूरी तरह से भूल जाए, वो बिल्कुल शुगर को कवेले से भी कड़वा महसूस करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल कवेले से कड़वा हो जाएगा। हु वुड बी द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? श्वेता, वुड यू लाइक टू जॉइन दिस? Shall I put you on the screen? I need to take it. Yeah, just give me a minute. Hypnosis can help you to actually imprint command in the person's mind, to gain the confidence, to imprint the new patterns, even. It can be used people who are into numerology, people who are into astrology, people who are into any sort of healing mechanisms can use self hypnosis. Because self hypnosis, jo hai, it can actually help you to imprint the patterns of those numbers or those energies directly into your body, and you can anytime connect with your higher consciousness and get the readings immediately. आप देखते हो बहुत सारे numerologists जो होते हैं या astrologers immediately connect कर पाते हैं. Once you are able to connect with your higher consciousness, you will see that you are able to even give your readings at a faster rate. अगर आप Reiki healers हैं, तो Reiki subconsciously अगर आप self hypnosis mode में जाते हो, तो आप 5 मिनट में किसी के लिए भी Reiki set कर सकते हो with the timing कि हाँ एक अगले आधे घंटे के लिए Reiki उसको जाएगी. You don't have to sit for continuously half an hour or 1 hour. You can program your mind and make it work 100%. मैं खुद practice करता हूँ, it works miraculously. अगर आप numerology में है, astrology में है, consultancy में है, doctor है, sales में है, जिस किसी profession में जो भी अभी live देख रहा है, चाहे YouTube पे हो, Facebook पे हो, या यहाँ Zoom पे हो, hypnosis can help you to create the change in fraction of seconds. क्योंकि अब आपको लगेगा कि हिप्नोसिस में तो मुझे डीप ट्रांस में जाना पड़ेगा, ये वो. देयर आर टेक्निक्स विच कैन टेक यू टू एनी लेवल ऑफ ट्रांस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. बस सिर्फ आपका खुद का माइंड तैयार होना चाहिए उसके लिए. यहाँ अभी हम लोग लाइव देखेंगे, यहाँ मैडम आई है, उन्होंने शुगर भी लाई है,
एक बार शुगर टेस्ट करके देख जाए मैडम आपकी. स्वीट है? नॉर्मल स्वीट. गुड. ओके, क्लोज योर आईज. Deep breath, complete deep breath, deep, 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 deep. As you are listening my voice, while I'm counting from 25 to 1, you will experience your body is getting completely relaxed and your mind is getting completely focused towards what I am saying. And also it will help you to understand the power of your mind while I'm counting from 25 to 1. Slowly as we are going down, you will experience by the count of 18, you will forget the taste of the sugar. It will go bland. By the count of 12, you will start feeling getting a complete bitter feeling in your mouth. As henceforth, whenever you will taste your sugar, you will have that complete bitterness in your mouth. 25, 24, 23, deep, 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 22, 21, complete relax, 20, 19, complete relax, you will completely forget the taste of your sugar. 18. Slowly you will start experiencing that swallowing in your mouth. You will start experiencing that swallowing in your mouth. You will start feeling that swallowing in your mouth. 17. 16. 15. 14. You will have all that bitterness in your mouth slowly. 13. 12, 11, your mouth will become complete bitter, 10, 9, 8, all deep, 7, 6, 5. By the time we reach 1, you will be completely forgetting the taste of your sugar until I give you the release command. एक तक आते आते तुम sugar की पूरी taste भूल जाओगे. तुम्हें बिल्कुल sugar पूरी तरह से खड़वी लगेगी जो तुम्हारे सामने रखी हुई है. 5, 4, 3, 2, 1. You are into a complete calm state. Your mind is completely relaxed, completely पूरी तरह से तुम्हारी sugar complete होगी. बिल्कुल कड़वी लगेगी, बिल्कुल कड़वी लगेगी. पूरा तुम्हारा मुंह कड़वा हो चुका है, पूरा तुम्हारा मुंह कड़वा हो चुका है. On the count of 5, when I say 5 to 1, you will open your eyes at a count of 1. You will open your eyes at a count of 1 and you will taste your sugar. 5. Your sugar will be completely bland, either completely bitter or either completely bland. Until I give you the next command of release, it will be completely bitter or bland. 5, 4, 3, 2, very slowly open your eyes. 1, and please taste your sugar. Please taste the sugar which you have kept in front of you. Open your eyes and please taste your sugar in front of you. Please taste your sugar. और ज्यादा खा दो. We'll be in this state for next 5 minutes till we are proceeding for the further webinar. You will be into this complete state of bitterness for next 5 minutes. You will be completely into the state of webinar. You'll be completely into the state of this bitterness for next 5 minutes. No matter how much sugar you eat, you will be having complete bitter taste of your sugar. So as you have seen that this madam is already experiencing the bitter taste of the sugar, hypnosis can help you to actually even remove the addictions for many people. Yeah, आपके छोटे बच्चों के addictions हैं, बड़ों में अगर कोई addictions है, किसी तरह के अगर addictions होते हैं, तो definitely आप addictions भी hypnosis से निकाल सकते हो, चाहे वो तंबाकू, पान, सिगरेट, गुटखा, किसी भी चीज का हो. बट वो एडिक्शन तभी निकलता है जब वो इंसान खुद चाहेगा.
or else you have to work on your subconscious mind, on his subconscious mind in a very different level, जहाँ पे आप खुद अपने levels में जाके programming करके उससे बात कर सकते हो, but that's totally a different technique which comes into actual hypnosis. But आप किसी भी तरह से किसी के भी addiction छुड़वा सकते हो. अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसकी पढ़ाई का पैटर्न इंप्रूव करा सकते हो. अगर आपको खुद को कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करा सकते हो. आपके रिलेशनशिप इश्यूज ठीक कर सकते हो, जो भी इशू है. या अगर आपको एग्जिस्टिंग करियर आपका अच्छा चल रहा है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इससे 10 गुना ज्यादा करने के लिए किस तरह से करना चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस किस तरह से अपने बॉडी में हार्डली 1 मिनट में इम्प्रिंट करना है, किस तरह से उस लेवल में जाना है, ये सब हिप्नोसिस में सिखाया जाता है. एंड हिप्नोसिस में ये सब आता है. आप ये भी देखोगे कि जब अगले 5 मिनट बाद जब मैडम का शुगर की टेस्ट निकल जाएगी तो शी विल बी एबल टू सी दैट, शी विल बी एबल टू सी एंड शी विल बी एबल टू फील दैट स्वीट टेस्ट अगेन. बट यहाँ पर जब आप हिप्नोसिस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो यूज हिप्नोसिस फॉर अट्रैक्टिंग योर क्लाइंट्स एंड इट वर्क्स बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड. इसका सिंपल रूल ये है दैट ऑल द सबकॉन्शियस माइंड्स इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर. अगर आप कोई वेबिनार करते हो, कोई कुछ भी करते हो, एंड इफ यू हैव अ पर्टिकुलर फिगर इन योर माइंड कि हाँ मुझे इतने लोग इस वेबिनार के लिए चाहिए, इतने लोग मुझे क्लाइंट्स चाहिए, इस तरह से मुझे फीस आनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन प्री प्रोग्राम योर सेल्फ एंड यू कैन रिलीज दोज थॉट्स व्हेन यू गो इनटू दैट लेवल. ये प्रैक्टिकली हिप्नोथेरेपी में पॉसिबल है. एंड आई एम सेइंग कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बाय GHSC, ऑल्सो आई एम अ लाइसेंस थेरेपिस्ट बाय ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन अलायंस ऑफ हिप्नोथेरेपिस्ट. ये सभी की चीज, बहुत सारी चीजें की हुई है, प्लस मैं खुद अपने आप पे यूज करता हूँ. तो हिप्नोथेरेपी कैन एक्चुअली मेक योर लाइफ इन अ बेटर वे. अगर आप जहां पर भी आज आप हो, चाहे अच्छी लाइफ हो, चाहे बुरी लाइफ हो, चाहे मीडियम हो, यू कैन टेक योर लाइफ एट अ वेरी डिफरेंट लेवल एंड दैट टू यू कैन लर्न दिस थिंग्स योर सेल्फ. तो वील कम बैक टू श्वेता मैडम अगेन. शी विल स्टार्ट सेइंग दैट हमेशा के लिए शुगर कड़वी हो गई है उनकी. I'll put her on the pin again. And as you have been listening my voice, while you are also attending the webinar, I know that your mouth is completely bitter and you will be completely experiencing a bitter taste. Even if you try to have a sip of water, it will be more bitter than the bitter gourd juice. You can just taste the water. If you have water around you, please have a taste of water. Please have a taste of water. करेले से भी कड़वा लगेगा, करेले के जूस से भी कड़वा लगेगा. What's the taste? अभी 3 मिनट और बचे हैं. So we'll release you from that command immediately so that you don't have that excess of bitterness in your body. On the count of five, by the time I reach the number one, please close your eyes. By the time I reach the number one, please close your eyes. You will experience at a count of three, your sweet taste is again recalled by your body. Your sweet taste is again recalled by your body. 5, 4, at a count of one, you will be completely having a normal taste of your sugar. 5, 4, 3, 2, 1, open your eyes. Now taste the sugar. Much better. इतना कड़वा था मुना कि करके टेस्ट किया मैंने शुगर का सिर्फ एक छोटा सा दाना. नहीं, you are completely released from that command. You are completely released from that command. Hypnotherapy, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, you can use it for yourself. You can use it. अब आपको आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या हम दूसरों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. Absolutely, you can practice it for others, whether it's your spouse, whether it's your child, whether it's your client. अगर आप काउंसलिंग सेशन में हैं, अगर आप काउंसलिंग है, काउंसिलर है, अगर आप वकील हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आप वहां पर हिप्नोथेरेपी बिल्कुल यूज कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ हिप्नोथेरेपी कि जब डिजीजेज जो होते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज स्पेशली, आजकल आप चारों ओर देखोगे दुनिया भर की बीमारियां लगी पड़ी हुई है. एंड 85% ऑफ द डिजीजेस हैपनिंग टू एनी ह्यूमन बीइंग आर साइकोसोमैटिक. साइको मींस प्लीज म्यूट योरसेल्फ. साइकोसोमैटिक इज एनीथिंग व्हिच स्टार्ट्स इन योर माइंड एंड रिफ्लेक्ट्स इन योर बॉडी. एंड 85% ऑफ द डिजीजेस व्हिच साइंस हैज प्रूवन आर कंप्लीटली साइकोसोमैटिक.
चाहे फिर वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, स्किन डिजीज हो, लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी आपको। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पाल के रखते हैं फियर, टाइगर, टेंशन, ट्रॉमा, ये सारी चीजें आपके बॉडी को इफेक्ट करती है, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स को ट्रिगर करके आपको कंटिन्यूस फाइट मोड में डालती है, जहां पर आप डिजीज के लिए डेफिनेटली सकम हो सकते हो। एनीथिंग विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द माइंड, इट वर्क्स। क्रोनिक हेल्थ इश्यूज आप किसको कहते हैं कि एनी पेन, क्रोनिक पेन, हेल्थ इश्यूज, इफ दे आर लास्टिंग फॉर मोर देन 3 months, they come under the category of chronic issues. चाहे वो chronic pain हो, चाहे chronic disease हो, पुराना skin का issue, कुछ लोग यहाँ खो जाते हैं, कुछ लोग यहाँ खो जाते हैं, यहाँ दवाई लगाए कि पैरों पे आ जाता है, पैरों पे लगाए कि पेट पे आ जाता है, because you are working on the symptoms, you are not working on the root cause. root cause पे काम करने के लिए आपको hypnotherapy सबसे आसान होती है। आप दूसरों के लिए भी ये use कर सकते हो, खुद के लिए भी use कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जहां पर भी आप, एंड जरूरी नहीं होता है आपको कि आप आधा घंटा बैठ के हिप्नोथेरेपी स्टेज में जाओ। इट मेक्स अ डिफरेंस दैट हाउ यू आर गिविंग अ कमांड टू योरसेल्फ, बिकॉज योर माइंड नोज व्हाट एग्जैक्टली इट वांट्स, एंड सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। यू कैन एक्चुअली प्रोग्राम योर माइंड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एंड सी दैट यू आर एबल टू मेक द रिजल्ट्स, क्योंकि आपके माइंड में उतनी ताकत होती है दैट इट कैन डिलीवर यू द रिजल्ट्स। It can give you the results. Lovina ji, yes please. Please come up with your question. Sir, like you just did this hypnosis for the bitter taste, or isme aapne you had those counts and things like that. Haan. So can we also give our body's command to get rid of the migraine that we are experiencing, or the anxiety, or the pain of any kind? In any part of the body. I'll put it this way. Especially if it is a migraine, it is important that you also get a medical analysis done, because migraine can happen due to various reasons. But anxiety or any other health issues which are not directly related to with your brain or heart can be worked out very easily. जहां पर मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल इवन माइग्रेन, इफ डॉक्टर सर्टिफाइज दैट यस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन द फिजिकल लेवल इन द ब्रेन, देन माइग्रेन कैन बी वर्कड आउट विद हिप्नोथेरेपी। बट नेवर प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी डायरेक्टली विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माइग्रेन, व्हेन इट कम्स टू हार्ट इश्यूज। बहुत बार आपको हार्ट में दर्द होता है, हैवीनेस महसूस होती है, but my advice would be that even though you know self hypnosis, you know everything, go and meet a doctor, because you never know ki shayad wo kis wajah se hai, and once the doctor says that yes, absolutely you are free, you don't have any CVD issue, you don't have any brain issue, then you can work on self hypnosis. And maximum cheeze jo hoti hai, hum log ghar pe 85% of the things can be worked out on the mind. But also equally I will say that when you have any such acute pains, so you should always consult a doctor. Appendicitis ka pain, of course hypnotherapy ke through wo suppress kiya ja sakta hai, kam kiya ja sakta hai, but if it's a appendicitis pain, you have to consult a doctor, better get it done, and uske baad aap hypnosis kijiye. Kisi bhi jahan par bhi medical intervention zaruri hai, wahan par aapko karna hi hai. Hypnosis you can make use in your daily life for making your life better. You can make your health better. You can make your pattern. अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, तो you can self-hypnotize yourself and you can start imprinting a new pattern. Life always gives you the opportunity. ये अपने हाथ में होता है कि हम क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं. So try to see your life in a different way. चाहे वो acute pain हो, health issues हो, you can always work on reducing the pain. For example, if someone has undergone a surgery, a PTSD, a physical injury, along with your medicines, you can work with hypnosis to reduce that pain, because pain is also finally a feeling. Pain koi aapko market mein milta nahi hai ki ha main aaj 5 kilo pain leke aaya, yahan se 10 kilo pain leke aaya. It doesn't work that way. Pain is a feeling which you have created in your body, because since your childhood, jab aapko pehli baar chot lagi hogi, aapke mummy daddy ne kaha hoga beta dard ho raha hai kya, but when you were born, आपको पेन नाम की चिड़िया क्या होती है ये पता भी नहीं था,
just because your mom and dad have labeled it that isko pain kehte hain, you started labeling it as pain. Life moves around the labels. Maximum चीजें जो होती है वो अपने labels पर ही काम करती है. So don't try to see the life in different way. So you can create a new imprint for yourself. Prachi Suryavanshi, can you please mute yourself? So maximum life moves around the labels. जो भी ये वेबिनार अभी लाइव पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, जो बाद में भी देखेंगे, सबके लिए मैं यही कहूंगा दैट व्हाटएवर यू आर टुडे इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट इम्प्रिंट्स. सिंपल एग्जांपल और एक देना चाहूंगा, बहुत से लोगों ने पहले भी मेरे से मुंह से सुना होगा कि अगर सपोज आज मैं आपको एक आधी बोतल दूध देता हूँ एंड कहता हूँ कि इसको एक महीने के लिए ऐसे रखो, अगले महीने जब आपको उसमें नया दूध डालना है तो डेफिनेटली What will you do? Anyone who would like to answer? आधी बोतल दूध दिया है आपको, उसमें अगले महीने नया दूध भरना है. Who would like to answer? बोतल एक ही है आपके पास. You would like to answer, Lovina? Yes. पुराना remove करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? Sir, old material we have to remove it first. Old material you have to remove first. Okay. And clean the bottle so that when you put in fresh milk, it doesn't curdle. Yes. Okay. So, सब लोग मानते हैं इसको कि ऐसा करना पड़ेगा. So, how many of you have really done this in your life? When it comes to your past experiences, when it comes to your past trauma, when it comes to the feelings which you have been accumulating in your mind, दुनिया भर की चीजें पाल के रखिए, इसने ये किया, उसने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, इसके साथ वो हुआ, आप सब आपके दिमाग में ये सब भर के रखते हो, क्योंकि अपने बॉडी में 80 ट्रिलियन सेल्स है, ईच सेल हैज अ 32 जीबी ऑफ मेमोरी. तो आप अगर 300 साल भी जियोगे ना तो आप उसमें बहुत सारा कचरा भर पाओगे. तो ये बोतल धोने का जो काम है ये हिप्नोसिस बहुत आसानी से कर सकता है. हिप्नोसिस कहिए, एनएलपी कहिए, हिप्नोसिस वर्क्स इन अ वेरी फास्टर वे व्हेन यू वांट टू क्लीन दिस बॉटल. क्योंकि अगर आप ये बॉटल नहीं धोते हो तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है. बिकॉज व्हेन यू आर बॉर्न विद अ सिंगल बॉडी. जब आप एक गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के लिए, मतलब चलो 20-25 लाख की गाड़ी आप खरीदते हो, उसके लिए आप हर 6 महीने बाद जाके सर्विसिंग करवाते हो, साल भर में एक बार ऑयलिंग चेंज करते हो. बट ये जो आपको बॉडी मिली है बचपन से, इसके स्पेयर पार्ट्स कहीं नहीं मिलते हैं. इसकी तरफ तो आप ध्यान नहीं देते हो, बट आपकी गाड़ी को बहुत प्यार से बहुत पोछा लगाओगे, झाड़ सब कुछ करोगे गाड़ी का, बट खुद का ये जो बॉडी है इसको कोई नहीं देखता है. हिप्नोसिस हेल्प्स यू टू एक्चुअली कनेक्ट विथ योरसेल्फ एंड मेक योर थिंग्स बेटर. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ एट अ वेरी इजी वे थ्रू हिप्नोसिस. एंड यू कैन लर्न हिप्नोसिस इन अ इजी वे नो मैटर इन विच फेज ऑफ लाइफ यू आर राइट नाउ. चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको हिप्नोसिस आपके खुद के लाइफ को चेंज करने के लिए काफी फायदेमंद रहता है. मैं खुद अपने लिए यूज करता हूँ, इट वर्क्स. अब हिप्नोसिस कैसे सीखना है या किस तरह से सीख सकते हैं, तो यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर, और एल्स यू कैन चूज टू लर्न फ्रॉम मी, बिकॉज वी आर कमिंग अप विद 11 डेज कोर्स जहां पर आप सीखोगे कि हिप्नोसिस राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू इट्स एप्लीकेशंस विथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस विथ लाइव टेक्निक्स प्लस उसके स्क्रिप्ट्स. बिफोर दैट आई जस्ट शेयर समथिंग, आई जस्ट ट्राई टू शो समथिंग. ये थोड़े बहुत मेरे सर्टिफिकेशन हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो GHSC सर्टिफाइड, उसका सर्टिफिकेट मैंने यहाँ डाला नहीं है. एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर आप बगैर सामने वाले को कहे उसके दिमाग में जा सकते हो बाय गिविंग हिम द रेफरेंस स्टोरीज. आल्सो आई एम अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर विद ब्रिटिश काउंसिल फॉर ऑल दिस कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज.
पहले वाले सारे दिखाई दिए थे ना आपको, जो भी छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स थे वो, तो आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग विद देम, आई एम अलाउड टू प्रैक्टिस ग्लोबली फॉर एनएलपी एंड हिप्नोथेरेपी, जहां पर ग्लोबली क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूँ. And whoever wants to see the things, who see the changes in the life, desire is most important. अगर दिल में desire ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो कुछ भी हो आपके सामने, भगवान भी अगर खुद आ जाए तो भी चीजें नहीं change होंगी. It is important to have the burning desire, जिसको belly in the fire कहते हैं. It is important. अगर जिगरा ही नहीं है, अगर हिम्मत नहीं है, या कुछ करने के लिए मन में जिद ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है. So it is important that if someone wants to see the change in their relationship, if someone wants to see the change in their health, definitely they can do it. But पहले अंदर से होना तो चाहिए. अगर आपका secondary gain ही ऐसा है कि नहीं नहीं ये किया मैंने तो आज मुझे काम करना पड़ेगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो specifically चीजों को avoid करते हैं because they want to avoid the things which can come after that. कि अगर suppose मैंने सच में थोड़ी मेहनत करनी चालू की तो मेरे पास काम आ जाएगा, थोड़ा मैं अगर बॉस को दिखा दूं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो बॉस मेरे सिर पे और काम डालेगा. दिस हैपेंस विद मेनी ऑफ यू, मेनी ऑफ अस इट हैपेंस. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ बर्निंग डिजायर कि खुद की लाइफ को किस तरह से चेंज करना है. अब क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर बीन हिप्नोटाइज्ड? सब लोगों ने कहा था नहीं. आई कैन गारंटेड से दैट यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स सिंस योर बर्थ, n number of times, because आपकी पूरी लाइफ हिप्नोटिज्म पर ही चलती है, हिप्नोथेरेपी पर ही चलती है. एक कोई भी सास बहु का सीरियल उठा दो, जब सीरियल भी जब आप देखते हो ना, वहां की जो लैंग्वेज होती है वो आपके दिमाग में जाती है. सारे हिप्नोटिक कमांड्स होते हैं. दुकान में जब आप जाते हो, शॉप में, शॉपकीपर बिल देने के टाइम पे कहता है सर आप पेमेंट कार्ड से करोगे या कैश से करोगे, इट्स अ हिप्नोटिक कमांड. हर तरह से, चाहे टीचर है, टीचर आपके, अरे आपके मम्मी डैडी, आप खुद भी यूज करते होंगे बच्चों के लिए, बेटा तू होमवर्क अब करेगा या खाना खाने के बाद करेगा, मतलब होमवर्क तो तुझे करना ही है, चांस कोई नहीं है. एवरीवन सिटिंग हियर हैज बीन हिप्नोटाइज्ड वन और द अदर टाइम इन द लाइफ. हिप्नोटिज्म मतलब अगर आप वो सोचते हो कि हाँ ये ऐसा जाके ऐसा 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 कुछ पेंडुलम होगा, दैट इज डिफरेंट. That of course वो hypnotherapy का जब ट्रांस में, जैसे अभी ये मैडम गई थी श्वेता मैडम, वो नैसर्गी मैडम, that is definitely happening. But in the regular life, 99% of the times you are hypnotized daily, because hypnotism works on your subconscious mind. जो सामने के वर्ड्स आते हैं, सामने की कमांड आती है, जो स्क्रिप्ट आते हैं, ये आपकी लाइफ को चेंज करते हैं. So everyone at any given moment of time is hypnotized, उसमें कोई डाउट नहीं होता है. एंड चाहे फिर वो पॉलिटिशियंस की स्पीच हो, पेरेंट्स हो, रिलीजियस लीडर्स हो, न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन तो आपको सबसे पहले हिप्नोटाइज करते हैं, बिकॉज दे गिव यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूज. हर तरह से आप ये देखो वो देखो, कुछ ना कुछ अच्छी तरह से वो जो कमांड सेट करते हैं. जैसे ही आप देख रहे हो कि यहाँ पर बारिश होने लगी है, आप देखोगे कि अब वहां पर थोड़े से ओले भी पड़ने शुरू हो जाएंगे, इट्स अ हिप्नोटिक कमांड. देखो कोई भी न्यूज एंकर जब बात करता है, इट्स अ कंप्लीट हिप्नोटिक कमांड. नॉर्मली जब हम अवेयर होते हैं, अभी आप जब सारे लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, आवर ब्रेन नॉर्मली वर्क्स इन दिस फ्रीक्वेंसी बैंड 14 to 30 hertz. आप अभी सब लोग जो सुन रहे हो, यहाँ पर आप कंप्लीटली अलर्ट हो, बट आप ये भी सोच रहे हो कि ये क्या बड़बड़ा रहा है विवेक, ये सब तो हमको पता है, हमने यहाँ वहां से पढ़ा था, या ये भी पता है, या कुछ तो ऐसा कुछ होता नहीं है. उसके बाद आप अल्फा स्टेट में जाते हो. अल्फा स्टेट मतलब आप रिलैक्स्ड इमेजेस, विजुअल्स. फॉर एग्जांपल जब आप मूवी देखते हो, मूवी देखते वक्त क्लाइमैक्स का जो सीन होता है, सोचने की कोशिश करो, बहुत बार आप क्लाइमैक्स का सीन होता है, क्लाइमैक्स की तरफ भी आपका पूरा ध्यान क्लाइमैक्स की तरफ भी नहीं होता, यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दैट, प्लस योर माइंड इज ऑल्सो अवेक अबाउट वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू. मतलब आप ट्रांस में भी जाते हो, प्लस अगर आपके किचन में दूध जल गया तो आप भागते भागते वहां से जाते हो, क्योंकि आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, जहां आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है 9 to 13 hertz. फिर आता है थीटा स्टेट ऑफ माइंड, जो हमने नैसर्गी मैडम के साथ और श्वेता मैडम के साथ किया, कि थीटा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाके उनके दिमाग में
पूरी तरह से वो फ्लोज और आइडिया जो है, क्रिएटिविटी जो है, उसको अल्टर कर दिया, जहां पर आपने देखा होगा कि मैंने उनके शुगर की टेस्ट ही बुला दी. दैट वर्क्स इन 4 to 8 hertz. एंड डेल्टा इज लाइक अ वेरी डीप स्लीप. जब रात को अगर फर्स्ट करो, अगर आप सीरियसली 10 बजे 10:30 बजे सो जाते हो, तो रात को 2-2.5 बजे जो नींद होती है आपकी, वो कम्प्लीटली बहुत डीप स्लीप होती है. सो योर माइंड गोज इन टू अ डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड. बट नॉर्मली हम लोग जो होते हैं, नॉर्मल मानव हमारे जैसे, वी वर्क कम्प्लीटली इन टू बीटा स्टेट ऑलवेज. दिन के कम से कम 17-18 घंटे तो बीटा स्टेट में होते हैं. सोने के वक्त भी, सोने से पहले हम लोग पहले मोबाइल देखते हैं, वहां पर भी हम अल्फा स्टेट में जाने की कोशिश नहीं करते हैं. तो थीटा एंड डेल्टा की बहुत दूर की बात है. आजकल इंसोम्निया जो बीमारी है बहुत कॉमन हो गई है, लोगों को नींद ही नहीं आती, दवाइयां लेके को खाएंगे. क्योंकि दवाइयां इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो यहीं पे काम करता है, यहां तक आता ही नहीं, यहां तो आता ही नहीं है. एंड यहां पर बिल्कुल, प्लीज कैन यू अवॉइड द स्क्रिबलिंग ऑन द स्क्रीन, हूएवर इज स्क्रिबलिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज अवॉइड इट. तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है हिप्नोथेरेपी के वर्कशॉप में कि आपको बीटा अल्फा थीटा डेटा में लेके कैसे जाना है खुद के माइंड को, टू चेंज योर स्टेट इमीडिएटली. एंड योर माइंड मैटर्स मोस्ट बिकॉज योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स. राइट हेमिस्फीयर कंप्लीटली वर्क्स ऑन रिकॉग्निशन, विजुअल, क्रिएटिविटी, सिंबल्स. सबकॉन्शियस माइंड आता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें इतनी फिट बैठती है. जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपके दिमाग में फिट बैठा है कि सामने कोई आते ही आप ब्रेक दबाओगे, हॉर्न बजाओगे, ये सारा आपका राइट ब्रेन काम करता है. एंड लेफ्ट ब्रेन जो है वो देखता है कि सामने क्या हो रहा है. बिकॉज योर लेफ्ट ब्रेन गिव्स यू द लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, रीडिंग कैपेबिलिटी, लैंग्वेज एनालिसिस, ईगो, खुद का मैं कैसे करूंगा. सबके साथ होता है ना, मैं क्यों करूं. तो ये मैं जो होता है, ये आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा वहां पर काम करता है. कॉन्शियस माइंड हार्डली आप 5% से ज्यादा आपका माइंड यूज नहीं करते हो. बाकी सब लोग हम जो है अपने सब अपने ख्यालों में होते हैं. एंड वी डोंट यूज द पावर ऑफ द माइंड, बिकॉज इफ यू यूज द पावर ऑफ माइंड यू कैन क्रिएट मिरेकल्स. बट हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5% बोर्ड में ही होते हैं. एंड कॉन्शियस माइंड हैज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. जब आप गाड़ी से जाते हो आगे, आप देखते हो यहाँ वहां बहुत सारी चीजें दिखती है, बट ऑल दोस थिंग्स आर नॉट रजिस्टर्ड इन योर माइंड. बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी. योर कॉन्शियस माइंड सीज इट कि हाँ कोई आया है सामने, तो इमीडिएटली सबकॉन्शियस को कमांड जाता है एंड इट आप ब्रेक दबा देते हो. बट आप ये याद नहीं रखते कि पीछे क्या हुआ था, कौन सा सिग्नल था, सिग्नल का कलर था. बट दैट इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियसली आप उसको भूल जाते हो, बट सबकॉन्शियस माइंड में वो होता है. एंड सबकॉन्शियस माइंड में आपके कमांड जो होते हैं वो बहुत 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 स्ट्रांग होते हैं. सबसे आसान कमांड अगर आप देखोगे, एंड इट हैपन्स कॉमनली इन इंडिया, पेशेंट को देखने जब जाते हो आप, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेचारे की सर्जरी होने वाली है 2 दिनों बाद, वहां जाके आप बोलते हो अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है ना, मेरे ना चाचा के मामा के बेटे के भी सर्जरी हुई थी, उसको बहुत तकलीफ हुई थी एंड वो तो महीने भर बाद बेचारे चल भी बसा. जानते बूझते आप उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली ऐसा थॉट डाल देते हो कि बेचारे सर्जरी के अंदर, सर्जरी से पहले उसका बीपी शूटअप हो जाता है. एनी कमांड विच कम्स टू यू प्रोबेबली कैन बी अ नेगेटिव कमांड विच कैन हिट योर सबकॉन्शियस माइंड इन सच अ वे कि आपकी बॉडी फुली फाइट मोड में चली जाती है. एंड व्हेन योर बॉडी इज इनटू अ फाइट मोड, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, राइट फ्रॉम ब्लड प्रेशर टू इवन सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स. कैंसर भी इट्स अ पार्ट ऑफ, सर्टेन टर्मिनल कैंसर्स कम अंडर द कैंसर साइकोसोमेटिक इश्यूज विच हैज बीन प्रूवन बाय साइंस. तो अब हम जब देखते हैं कि रास्ते की चीजें अपने को याद नहीं रहती है, बट हम लोग बहुत सारी चीजें पहले जो सीखी है वो याद रहती है. आप एक बार जो पाढ़े पढ़ लेते हो, टेबल्स, सबको याद हो जाता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में टेबल्स हमेशा के लिए किए हैं. आप में से 99% लोगों को पता है कि 12 5 60, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है. हार्डली कोई 1% होगा जिसने शायद कभी पाढ़े देखे नहीं होंगे या नहीं करेगा. बट सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस कर करके फॉर सेकंड एग्जांपल जो है कि आप जब रोज दांत मांजते हो, सुबह उठते ही आपका पैटर्न फिक्स हो चुका है बिकॉज यू मेड अ कंसिस्टेंट एफर्ट. दैट ऑल्सो वर्क डायरेक्टली ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपको सबकॉन्शियस माइंड पे अगर सपोज डायरेक्टली इम्प्रिंट करना है तो 2 ऑप्शन होते हैं. एक तो कंटिन्यूस एफर्ट डालो, प्रैक्टिस करो करो करो, या फिर सबकॉन्शियस लेवल में जाके
you can start working on your mind in such a way that whatever you learn, whatever you see, it is completely imprinted in your memory. फिर चाहे आप student हो, चाहे professional हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप numerologist हो, अगर आपको 1 to 9 के सारे numbers याद करने, practice जरूरी, ठीक है, practice जरूरी है, but अगर आप खुद को subconscious mind के level पे जाके देखते हो, you can imprint those numbers in your memory permanently, 100% sure. But it is needed कि either आपके पास दोनों options हैं, या तो long route भी ले सकते हो, shortcut भी ले सकते हो, but there are no shortcuts in the life. Shortcut में भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. एटलीस्ट खुद को सबकॉन्शियस लेवल पे जाने के लिए तो उतनी मेहनत करनी पड़ती है. नाउ हाउ कैन हिप्नोसिस हेल्प यू, एक जस्ट छोटे से एग्जांपल चाहिए. इंक्रीज रिलैक्सेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ टेंशन. आपको जो भी कोई टेंशन हो, इमीडिएटली आपका पूरी तरह से टेंशन जा सकता है. अगर आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कॉन्फिडेंस में किसी को दिक्कत है, किसी को एक्चुअली फिजिकल रिलेशनशिप में, बिकॉज आई हैव बीन इनटू काउंसलिंग, आई हैव सीन पीपल व्हेन दे कम फॉर काउंसलिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स लाइक इम्पोटेंसी हैपन एट द साइकोलॉजिकल लेवल एंड देन दे आर रिफ्लेक्टेड इन द बॉडी लेवल. यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, अगर आप काउंसलर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप किसी भी चीज में. एंड हिप्नोथेरेपी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन टू मेडिकल प्रैक्टिस इन 1957 बाय डेंटल साइंस. हिप्नोथेरेपी डेफिनेटली यूज होती है मेडिसिन में. सबसे पहले यूके में प्रैक्टिस हुआ था हिप्नोथेरेपी का डेंटल साइंस के लिए. उसके बाद अभी यहाँ पे इंडिया में भी हिप्नोथेरेपी यूज होती है, बट ऑफकोर्स इट्स यूज एज अ ऑल्टरनेटिव थेरेपी. इंक्रीजिंग द मोटिवेशन, लीडर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एजिंग प्रोसेस आपका कम कर सकते हो. लाइक यू कैन स्टार्ट लुकिंग ब्यूटिफुल मोर एंड मोर, बिकॉज वेन यू स्टार्ट गिविंग कमांड टू योर माइंड, योर बॉडी रीस्ट्रक्चर्स इटसेल्फ. It can help you to reduce your weight. It can even help you to increase your weight. कुछ लोगों को वेट बढ़ाना होता है, उनके लिए भी काम आता है. Anxiety, depression, grief, कि कोई suppose गुजर जाता है and वो आप पकड़ के रखते हो. Even that can be easily worked out on this particular way. तो इस केस में हम लोग एक छोटा सा वेबिनार वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, which will be a proper certified workshop. You will be getting a certification as certified hypnotist, baqaida, under international practitioners of holistic medicine. But before I move further, main dikhana chahunga ki course mein hum log kya kya cover karne wale hain, fir uske baad aapke question answers bhi lenge. Because I know that you have been seeing this demo and you have, I'm sure that even I have allowed the interest in your mind enough so that you are looking forward to ki course mein kya aayega. तो सबसे पहले डे वन को हम लोग कवर करेंगे मिथ्स एंड कंसेप्शंस अबाउट हिप्नोसिस. क्लिनिकल हिप्नोसिस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिप्नोटिज्म. लाइव प्रैक्टिकल्स करेंगे, लाइव किस तरह से करना है ये सीखेंगे. दूसरे दिन हम लोग सीखेंगे ह्यूमन माइंड एंड इट्स थियरी. आपका नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, आपका स्प्लिट ब्रेन थियरी जो है किस तरह से काम कर सकता है एट अ सबकॉन्शियस एंड अ कॉन्शियस लेवल. इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आपका ब्रेन किस तरह से कौन से टाइम पे काम कर रहा है. देन ऑन डे थ्री वी विल कवर व्हाट इज ट्रांस. जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी ये दोनों जो मैडम थी 1.5 मिनट में ट्रांस में चली गई, तो किस तरह से ट्रांस में लेके जाना है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस करने चाहिए उसके. प्लस ये सबके स्क्रिप्ट्स में आपको देने वाला हूँ दैट हाउ टू टेक अ पर्सन इन द ट्रांस. सामने वाले को ट्रांस में कैसे लेके जाना है इसकी भी स्क्रिप्ट आपको मिलेगी. एंड प्लस ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ट्रांस में गया था इंसान. जब वो श्वेता मैडम ट्रांस में गई थी, नेसर की मैडम ट्रांस में गई थी, यू कुड एक्चुअली इफ यू मस्ट हैव सीन उनके गले के पास आपको स्वेलरिंग दिखी होगी. देन चौथे दिन हम लोग देखेंगे सेल्फ हिप्नोसिस, उसके खुद के लिए बेनिफिट्स क्या है, हाउ कैन हिप्नोसिस चेंज योर लाइफ एंड हाउ टू एंटर द ट्रांस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. जस्ट उंगली टच करके आप ट्रांस में कैसे जा सकते हो, ये डेफिनेटली पॉसिबल है. देन ऑन डे फाइव वील वर्क ऑन एलिमिनेटिंग अनवांटेड हैबिट्स, ओवरकमिंग प्रोकास्टिनेशन, इम्प्रिंटिंग कॉन्फिडेंस. ये सारे लाइव एक्सरसाइजेस लेंगे एंड इसके स्क्रिप्ट्स भी आपको मिलेंगे कि किस तरह से यूज करने हैं, सामने वाले पे या खुद पे, किस तरह से आपकी टोनालिटी चाहिए. डे सिक्स विल बी कवरिंग अ वेरी कॉमन डिजीज नाउअडेज. डिजीज कहो, डिसऑर्डर कहो, इंसोम्निया. लोगों को नींद ही नहीं आती है क्योंकि रात को 1 बजे भी मोबाइल देखना होता है एंड बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम पाल रखे होते हैं. क्योंकि लाइक यू आर सिटिंग हियर
and you are thinking about the elephants which are dying in Africa. You can't do anything. So why you should think about African elephants which are dying in Africa? यहाँ पे पहले अपने प्लेट में बहुत सारा है, पहले उसको देख लेते हैं. बट जो लोग वो नहीं देखते हैं उनको इंसोमनिया जैसी चीजें बहुत जल्दी हो जाती है. देन वेट रिडक्शन. देन ऑन डे 7 वी विल बी वर्किंग ऑन स्मोकिंग एंड वेट गेनिंग. स्मोकिंग के तो मेरे एनएलपी के वेबिनार एनएलपी के एक्चुअल वर्कशॉप में कुछ लोगों ने स्मोकिंग की चीजें एक छोटी सी झलक देखी थी. मुझे नहीं लगता वापस लोग अभी स्मोक करेंगे या चॉकलेट भी खाएंगे. देन ऑन डे 8 वी विल बी वर्किंग ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर क्रिएटिव. कि अपने आप की क्रिएशन लेवल किस तरह से बढ़ाए. हाउ एग्जैक्टली यू कैन थिंक इट अ डिफरेंट वे. जो लोग ये फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं, इट विल बी डन कम्प्लीटली इन द प्रैक्टिकल वे. फिर एक टेक्निक आती है सीक्रेट काउंसलर टेक्निक. यहाँ पर जिन लोगों ने मेरा ऑलरेडी एनएलपी का वर्कशॉप अटेंड किया था, दे हैव एक्सपीरियंस द सीक्रेट काउंसलर टेक्निक लाइव. यहाँ पर भी आपको सीखने को मिलेगी एंड उसकी स्क्रिप्ट भी मिलेगी हिप्नोथेरेपी में. दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन इम्प्रिंट एनी पैटर्न from any person in the world. And it is practically possible. मैंने live demo कराए थे अपने NLP के workshop में, लोगों को सिखाया हुआ है. Same will be working here. Then on day 9, past life regression. सब लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अरे past life regression मतलब क्या होता है. Past life regression तो सबने सुना होता है कि past life मतलब भूत प्रेत, मैं पिछले जन्म में कौन था, क्या थी. And YouTube पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होते हैं. But it is important to understand that past life therapy is also equally useful. कि आप अगर आपके कोई लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न है जो आप नहीं चाहते हो कि इस लाइफ में आपको वो रहे आपके लाइफ में, या अगर आपको कोई नया पैटर्न इम्प्रिंट करना है, you can go back to any of your past life, collect that pattern from that particular life and come back and start using that pattern. ये practically possible है. Because PLR, past life regression, is not meant for picnic कि मैं पिछले life में कौन थी, उसके पिछले life में मेरे साथ क्या. ये सब चीजें देख के आप कुछ नहीं हासिल करोगे, उससे सिर्फ और सिर्फ problems होते हैं. Clients come to me for 0.21 PLR sessions. उनको मैं clearly कहता हूँ कि आप past life में जो भी थे उससे लेना देना कुछ नहीं होता है. यहाँ पर आज आपकी life का problem solve करना important है. तो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन गो इनटू योर पास्ट लाइफ एंड उसकी पूरी स्क्रिप्ट रिटर्न में आपको दी जाएगी. हाउ टू कलेक्ट दोज पैटर्न्स ये सिखाया जाएगा. डे 10 पे इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत कॉमन है आजकल, मतलब भर भर के इस पे वर्कशॉप्स होते हैं. एंड आई एम नॉट कमेंट अबाउट एनी वन, बट इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत आसान तरीका है आपके खुद के ट्रॉमास को निकालने के लिए, एंड जो कि प्रैक्टिकली आप खुद कर सकते हो. उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. सिंपल फंडामेंटल यही होता है दैट योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन. इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे. फिर क्वेरीज जो भी आपके होंगे, ऑफ कोर्स डेली वी विल बी हैंडलिंग द क्वेरीज. प्लस डे 11 पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स भी किए जाएंगे. इसके अलावा जो भी लोग इस वर्कशॉप में जुड़ेंगे, अगर आपके कोई भी आपको और कोई स्क्रिप्ट चाहिए, किसी और चीज के लिए कोई स्क्रिप्ट चाहिए, रिलेशनशिप के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, या किसी भी चीज के लिए. लाइक रिसेंटली आई हैड वन रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन, दे हैड रिक्वेस्टेड मी अ स्क्रिप्ट फॉर आई सर्जरी. कि आई सर्जरी होने वाली थी, उससे पहले जो एंग्जाइटी हुई थी, टू रिमूव दैट. इट वर्क्स बिकॉज फाइनली व्हेन यू आर एबल टू हेल्प अ पर्सन टू काम डाउन हिज माइंड, यू कैन गिव हिम बेटर रिजल्ट्स. अगर आपको कॉन्फिडेंस की स्क्रिप्ट चाहिए, अगर आपको कुछ याद रखने की स्क्रिप्ट चाहिए, everything we can work out. Thus, also I'll teach you how to make your own scripts. क्योंकि script खुद भी तो बनानी आनी चाहिए, कोई by heart करने की जरूरत नहीं होती. यहाँ पर जब भी अभी मैंने दोनों scripts किए, कुछ भी by heart नहीं किया. एक logic होता है, एक flow chart होता है कि किस तरह से क्या क्या बोलना है and observation कैसा होता है. तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी life को आप बिल्कुल सही तरीके से ले जा सकते हो. अब इस course की जो fees है, normally very in a simple way I would put it, कि सबसे पहले आपको मिलेगा क्या इस कोर्स में. कंप्लीट रिकॉर्डिंग हर दिन का मिलेगा, एंड वो भी डेली मिलेगा. जैसे क्लास खत्म होगा आपको रात को 12-1 बजे तक आपका रिकॉर्डिंग पूरा आ जाएगा. दैट विल बी अ लाइफ टाइम डेटा फॉर यू. नो लाइक उसका कोई बंदिश नहीं होगी, आप खुद उसको यूज कर पाओगे. हिप्नोटिक स्क्रिप्ट अलग अलग आपको मिलेंगे, जो हम लोग रोज पढ़ रहे हैं उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे हिप्नोटिक स्क्रिप्ट होते हैं. तो दैट विल डू. नोट्स मिलेंगे
जो हम डेली करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज डेफिनेटली मिलेगा, एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट वेयर यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस हिप्नोसिस अंडर दिस लाइसेंस फॉर श्योर. सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, यू विल बी एबल टू यूज इट ऑन अदर्स. अगर आप किसी काउंसलर, अगर आप काउंसलर है, अगर आप कोचिंग करते हो, अगर आप वर्कशॉप्स लेते हो, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स लेते हो, आप बिल्कुल ये सर्टिफिकेट यूज करके आप लोगों पर हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करके उनके लाइफ में चेंजेस करा सकते हो. डेफिनेटली यू कैन डू इट बिकॉज इट वर्क्स. ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड यूज इट एज अ मेडिसिन ऑल्टरनेटिव. जिन लोगों को हेल्थ के ऊपर काम करना है किसी के, यूज इट अलॉन्ग विद द ऑनगोइंग मेडिसिन. यू शुड नेवर आस्क अ पर्सन टू स्टॉप द मेडिसिन. वी आर नॉट डॉक्टर्स. प्रॉपर बकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अंडर IPHM. IPHM इज इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन. मैं उनका अप्रूव ट्रेनर हूँ पिछले 3 सालों से, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन वेरियस वर्कशॉप्स अंडर दिस पर्टिकुलर बैनर. फीस फॉर द एंटायर कोर्स, नो? Only 1500. The complete workshop, 11 days workshop with live recordings and whatever things we have done, ये पूरा के पूरा आपको 1500 में with the certificate, practical knowledge and approved certificate. It's like IPHM certificate. It has a global value. No one can challenge it. You will be able to practice it on yourself. You will be able to do it on yourself also. So यहाँ पर अब जिस जिसको आप book करना है, डेफिनेटली गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम नंबर है, यू कैन बुक इट. क्योंकि वेबिनार की जो प्राइस है ये अगले 5 दिनों तक मैक्सिमम वैलिड रहेगी, उसके बाद इसकी फीस 2000 रुपीज हो जाएगी. बट एज ऑफ नाउ इट इज 1500, एंड आई एम श्योर दैट यू वुड लुक फॉरवर्ड टू क्रिएट अ चेंज इन योर लाइफ. तो यहाँ तक अब मैंने बोला, नाउ इट इज ओपन फॉर एवरीवन. यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. And I'm sure it must have aroused the interest in your mind. So the session is open for all to ask your questions. जिन लोगों ने पहले NLP किया हुआ है मेरे साथ, वो तो directly जुड़ सकते हैं. जिन लोगों को अभी भी कोई queries है, you can ask your queries. Most of you have already registered, that also I know. Any queries, please put up your questions. We are live on Facebook, we are live on WhatsApp. जिन लोगों को फेसबुक पे अगर कोई क्वेरी है तो आप वहीं पर मैसेज कर दीजिए. आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी लेटर ऑन बिकॉज आई एम नॉट एक्सेसिंग माय फेसबुक राइट नाउ. आप फेसबुक पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. आई चेक आउट दैट आल्सो. सो एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन बिकॉज द सेशन इज ओपन फॉर ऑल. एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल सी अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस हिप्नोसिस वर्कशॉप फॉर श्योर. सर क्लास के टाइमिंग्स क्या होंगे? क्लास के टाइमिंग्स हम लोग 10:15 से पौने 12 जो डिसाइड किया था हमने हिप्नोथेरेपी इसके एनएलपी के टाइम पे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट टाइम. एंड सेकेंडली वी आर लर्निंग हिप्नोसिस. हिप्नोसिस सीखने के लिए थोड़ा दिमाग भी शांत चाहिए, वातावरण भी शांत चाहिए. इट बिकम्स अ इजी एक्सेस फॉर एवरीवन. सब लोग लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक द फीमेल फ्रेंड्स विल बी जॉइनिंग. तो इन लोगों को भी ये टाइम बहुत ज्यादा सूटेबल हुआ है. इट हैज बीन टेकन ऑन द मेजॉरिटी दैट पीपल वांट अ टाइमिंग वेयर दे आर कंप्लीटली, खाना पीना हो गया सब, अभी आराम से रिलैक्स से सीख सकते हैं. सो वी विल बी स्टार्टिंग एट एग्जैक्टली 10:15 एंड वी विल बी फिनिशिंग डेली बाय. वी विल बी फिनिशिंग लाइक हफ्ते में 3 या 4 दिन होगा क्लास, डेली नहीं होगा ताकि आपको मेरी वो शक्ल ना देखनी पड़े. तो 3 से 4 दिन हम लोग करेंगे, 10:15 से रात को 11:30 से 12:15 तक. मिनिमम 1 से 1.5 घंटा तो क्लास 100% चलेगा बिकॉज वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल्स एंड ऑल्सो विल बी सॉल्विंग द क्वेरीज. तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क बिकॉज दिस इज द वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ. एंड दोज हू वांट दे कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. आफ्टर दिस सेशन आई विल गो थ्रू ऑल द मैसेजेस. अभी किसी को कोई क्वेरी है हिप्नोथेरेपी के बारे में, you can ask your questions. I am absolutely free to answer because in no matter in which profession you are, hypnotherapy can help you to create a transformation for your life. Jo log Facebook pe dekh rahe hain, YouTube pe dekh rahe hain, it's open platform for everyone.
please ask your questions. We have 5 minutes more to move further. Sir, what is the difference between meditation and hypnosis? Meditation and hypnosis. Meditation and hypnosis both can give you the level of relaxation at beta, alpha and theta level pe aap ja sakte ho, meditation mein bhi and hypnosis mein bhi. Hypnosis mein aap techniques bahut fast seekh sakte ho to take yourself into that trance level. Meditation mein hota ye hai ki jab aap meditation ke liye baithte ho to दुनिया भर के ख्याल तो एक साथ आ जाते हैं एंड देन यू हैव टू पॉन्डर ओवर दोस थॉट्स कि ये हो रहा है वो हो रहा है इसका इसने आज ये किया उसने आज ये किया बट व्हेन वी डू सेल्फ हिप्नोसिस दोस थॉट्स आर लाइक दे वैनिश थोड़ी सी प्रैक्टिस डेफिनेटली हिप्नोसिस में भी लगेगी सबको बट यू कैन गिव द कमांड टू योर माइंड एट द सबकॉन्शियस लेवल यू कैन गिव द कमांड कि किस तरह से आप चेंज इमीडिएटली ट्रांस में जा सकते हो गोइंग इन टू ट्रांस इज एज गुड एज doing meditation kyunki aap bilkul shant rehte ho you are able to understand yourself you are understanding your inner journey so meditation and hypnosis both go hand in hand meditation ke liye aapko forceful akele baithna padta hai aap dusron ko meditation kara sakte ho waise hi hypnosis bhi dusron ko kara sakte ho I prefer to go into trance immediately 5 se 10 second mein trance mein ja sakta hai insaan just by giving the right commands thank you Yes, sir. My pleasure. Any other question? Open for all. Those who are registered, unka separate group already ban chuka hai. क्योंकि आप जिस किसी प्रोफेशन में होते हो वहां आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे एंड इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स अगेन आई एम सेइंग इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स क्योंकि लोगों को वो भी होता है कि सर्टिफिकेट मिलेगा क्या आई एम सेइंग इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स इट्स नॉट ओनली अबाउट सर्टिफिकेट दैट यू हैव जॉइन द कोर्स आई एम सेइंग इट्स एज अ सर्टिफाइड कोर्स सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट प्रैक्टिशनर सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस व्हेन इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स एंड इट्स अ सर्टिफिकेट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है So you'll be a certified hypnotist practitioner. यहाँ तक किसी को कोई doubt है? Those who are live on Facebook can post their comments on Facebook. I'll check it later and get back to you. और जिन लोगों को आगे भी join करना है, any queries you can also WhatsApp me on 8551099009. ये मेरा WhatsApp number है. फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हो जिनको अगर और भी कोई डाउट है मन में वन टू वन फोन भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन योर फोन कॉल आई बिलीव दैट वी हैड अ ऑसम सेशन एंड वी कुड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट नाउ कम्स द टेक्निक एक टेक्निक जो आपको जाने से पहले मैं देना चाहूंगा बिकॉज व्हेन यू हैव स्पेंट योर वैल्यूएबल टाइम विद मी I also want you to give you a very efficient technique which can make your life easy and we'll be doing it right now. But sabhi se request karunga apne apne camera on kar dijiye. It's mandatory that you please put on your camera because we'll be doing the technique live. So please put on your camera. सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर दीजिए बिकॉज व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम आई वांट यू टू मेक श्योर दैट यू गेन समथिंग आउट ऑफ इट नाउ आई विल गिव यू अ टेक्निक व्हिच कैन हेल्प यू टू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड In fraction of seconds, no matter what is happening at what level, जहां कहीं भी आप हो, but आप immediately आपके state of mind को कैसे change कर सकते हो?
ये प्रोग्राम मैं आपको जाते जाते अभी दे दूंगा एंड इट वर्क्स 100% बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट पास्ट मेनी इयर्स ऑन माय सेल्फ. सो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेनेवर वंस वी स्टार्ट द सेशन अभी यू हैव टू थिंक अबाउट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ व्हेनेवर वी एक्चुअली स्टार्ट द सेशन. सो नाउ you are listening my voice, I request you, please close your eyes, please close your eyes, and remember how a light bulb works. The moment you switch on the light bulb, the bulb glows. This process is using. So we are not able to hear your voice. प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए. विवेक जी यूट्यूब का वॉल्यूम ज्यादा था, आपकी आवाज कम थी. ओके तो वॉल्यूम 75% कर दीजिए, फिर बैलेंस हो जाएगा. Thank you, Dadi ji. Now, is it audible? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. As you are listening my voice, I would request you to touch your thumb and the index finger. And the moment you are touching your thumb and the index finger, think about the positive or the happiest moment of your life. Go back to that particular time. Go back to that frame when you are really happy. It can be any moment. It can be any incident in your life. It can be any incident in your life. Bachpan ka ho sakta hai, kabhi ka bhi ho sakta hai. Try to remember that incident completely. Try to get that incident completely in front of your eyes. See what clothes you had worn. Try to see आप किसके साथ थे, कौन कौन था आपके साथ, क्या क्या बातें हो रही थी, किस तरह से आप खुश थे, आपने कौन से कपड़े पहने थे. देखने की कोशिश कीजिए किस तरह से आप खुश थे वहां पर. महसूस करने की कोशिश कीजिए आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स को. महसूस करने की कोशिश कीजिए आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स को. महसूस कीजिए आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स को. आप किस तरह से कॉन्फिडेंट थे, किस तरह से आपकी लाइफ बहुत सही तरीके से चल रही थी. उस खुशी को महसूस कीजिए. अगर आप कुछ खा रहे तो देखिए कि किस तरह से क्या खा रहे थे. महसूस कीजिए कितने रिलैक्स आपकी बॉडी थी, कितने खुश थे आप, कितने खुश थे आप. महसूस करने की कोशिश कीजिए उस खुशी को जब आप उस पल में बिल्कुल रिलैक्स थे, बिल्कुल रिलैक्स थे आप उस पल में. महसूस करने की कोशिश कीजिए आप कितने खुश थे. धीरे धीरे जैसे जैसे अब मैं 1 से 10 तक कहूँगा, आप महसूस करोगे वही खुशी आपके बॉडी में पूरी तरह से इम्प्रिंट हो रही है, क्योंकि आपका थंब और इंडेक्स फिंगर पूरी तरह से टच हो चुका है. यहाँ से आगे जब जब आप आपका थंब और इंडेक्स फिंगर टच करोगे, आप बिल्कुल इसी स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे जहाँ पर आप बिल्कुल खुश हो, जहाँ पर आप बिल्कुल रिलैक्स हो. आपका माइंड एंड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा यहाँ से आगे जब जब आप थंब और इंडेक्स फिंगर टच करोगे. जब जब आप थंब और इंडेक्स फिंगर टच करोगे यहाँ से आगे आपका माइंड एंड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा. जैसे ही आप मैं 1 से 10 तक गिनूंगा, आप महसूस करोगे कि आप उस खुशी के पीक पर हो. 1, 2 जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है महसूस कीजिए उस खुशी को बढ़ते हुए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.
महसूस कीजिए उस खुशी को जो आपके बॉडी के अंदर दौड़ रही है, महसूस कीजिए उस खून को कितने पूरी तरह से आपकी पूरी बॉडी में एक नई चेतना आई है, नई ऊर्जा आई है। आप महसूस करो कितने खुश थे उस पर्टिकुलर मोमेंट में। आप महसूस करने की कोशिश कीजिए उस ऊर्जा को, उस नई चेतना को जो आपके बॉडी के अंदर अभी दौड़ रही है। कितने खुश हैं आप अभी पर्टिकुलर इस मोमेंट में, जब आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो। महसूस करने की कोशिश कीजिए यहाँ से आगे, जब जब आप आपका थंब और इंडेक्स फिंगर टच करोगे आप बिल्कुल इसी स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे। यहाँ से आगे जब जब आप कोई थंब और इंडेक्स फिंगर टच करोगे आप बिल्कुल इसी स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे। मुझे यकीन है यहाँ से आगे जब जब आप थंब और इंडेक्स फिंगर टच करोगे आप बिल्कुल इसी स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे। एंड इस प्रैक्टिस को, इस एक्सरसाइज को आपको बस दिन में कम से कम 5 से 7 बार एक एक मिनट के लिए करोगे, इस बात का भी मुझे यकीन है, क्योंकि आप खुद चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आप खुद चाहते हो कि आप आपके माइंड के कंट्रोल को पूरी तरह, आपके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। आप खुद चाहते हो कि आप हमेशा खुश रहो। तो मैं ये जानता हूँ कि आप डेली कम से कम 5 से 7 बार इस एक्सरसाइज को एक एक मिनट के लिए कहीं पर भी आराम से बैठ के करोगे। आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से बैठ कर करोगे, कहीं पर भी मशीन या किचन के आसपास नहीं करोगे। आप बिल्कुल आराम से बैठ कर अपने सोफे पर बैठ कर बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ से आगे जब जब आप आपका थंब और इंडेक्स फिंगर टच करोगे आप बिल्कुल ही स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे। आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है, मैं जानता हूँ कि आपकी लाइफ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब अगले एक मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी में जो खुशी है उसे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए उस खुशी को, महसूस कीजिए उस खुशी को। मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल अब बस आप आपको उस खुशी को महसूस कर दीजिए। बिल्कुल आराम से महसूस कीजिए उस खुशी को, आराम से उस खुशी को महसूस कीजिए। देखिए आप कितने खुश थे, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप देख पा रहे हो कि आपकी हेल्थ और बेहतर हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे हो रहे हैं, आपके हेल्थ पैटर्न्स और अच्छे हो रहे हैं। महसूस करने की कोशिश कीजिए किस तरह से आपके हेल्थ पैटर्न्स और बेहतर हो रहे हैं। देखिए किस तरह से आपकी बॉडी आपको पूरी तरह से साथ दे रही है, देखिए किस तरह से आपकी बॉडी आपको साथ दे रही है। महसूस करने की कोशिश कीजिए किस तरह से आपकी बॉडी पूरी तरह से आपको रिलैक्स कर रही है। अब जैसे ही मैं 5 से 1 तक कहूँगा, जैसे ही मैं 5 से 1 तक गिनूंगा आप बिल्कुल नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे। बिल्कुल आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है और आपने ये पैटर्न पूरी तरह से इम्प्रिंट कर दिया है, आपने ये पैटर्न पूरी तरह से इम्प्रिंट कर दिया है। जब जब आप इस थंब और इंडेक्स फिंगर को यहाँ से आगे टच करोगे आप देखोगे कि आप आपके माइंड को बिल्कुल इसे रिलैक्स स्टेट में लेके जा सकते हो। आप देखोगे कि आपकी बॉडी को और आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में लेके जा सकते हो। ऑन द काउंट ऑफ 5, एज आई एम काउंटिंग फ्रॉम 5 to 1, you will experience that you are into that peak state of happiness. You will experience that you are into the complete peak state of happiness as you are listening my voice. Now you will experience that your body is completely relaxed and you are into a peak state of happiness. 5, 4, 3, 2, very slowly, 1, and relax, completely relax, completely relax. Very slowly open your eyes and feel that confidence. How many of you could actually feel that level of happiness? Kitno ko hua? अब इसको यूज कैसे करना है, आपको बस दिन में एक एक मिनट के लिए जहां पर भी आप बैठते हो आराम से बस आंख बंद करके उंगली को टच करके थिंक अबाउट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू प्रोग्राम योर माइंड अकॉर्डिंगली। आपको बस 24 दिन इसको करना है। 24 दिन जैसे ही आप करोगे आपकी बॉडी में ये इम्प्रिंट परमानेंटली बन जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट यू आर एबल टू इमीडिएटली शिफ्ट योर माइंड and control your mind the way you want. You'll be able to see that how you are able to change the state of mind, chahe samne kuch bhi ho raha ho. Immediately you will be able to change your mind
at a very faster pace. Hypnotherapy workshop always works on one-to-one basis. So, jo bhi admission lena chahte hain, like even if in the family, I would say if someone wants to join, couple join karta hai, to individual join kijiye, because it's a hypnotherapy workshop. You can't just sit besides and do it. It has to be an interactive workshop and it will help you, it will benefit you in the better way. So please work out on your subconscious mind so that you see the things happening in a different way. It's all in the mind. And once you decide that you want the results, no one can stop you from getting the results. So for next 4 to 5 days, we are open with the fees of 1500 rupees. And from 10th onwards, this fees will be 2000 rupees. So jo bhi log join karna chahte hain, definitely they can join. Also, if someone wants to get into numerology or wants to learn numerology into 7 days in the practical aspect, they can ping me one-to-one. जो एक 15 तारीख से छोटा सा कोर्स शुरू होने वाला है, जो आप इतना डेफिनेटली आपको देगा कि आप किसी का भी नाम देखकर एनालाइज कर पाओगे कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ट्रेट्स क्या, जो भी है डेफिनेटली आप ज्वाइन कर पाओगे. तो जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ लाइव देख रहे हैं, इट्स ओपन फॉर ऑल. So anyone who is looking forward to join, you are welcome to join. और किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए. So I'm very thankful to all of you that you gave your valuable time and efforts. And मैं सभी के लिए यही दुआ करूंगा, चाहे आप भी आप जूम पर हो, फेसबुक पे हो, आप सबके लाइफ में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप सबकी ज़िंदगी हमेशा आबाद रहे, आपके फैमिली में हमेशा खुशी रहे. मैं यही दुआ करूंगा कि आपकी लाइफ एक सही तरीके से चले, हंसते खेलते रहे. एंड विद दिस आई थैंक यू, थैंक्स एवरी वन ऑफ यू कि आपने आपका कीमती समय मुझे दिया, जो भी हम आज कुछ सीख पाए. It's all thanks to God that you found some time, you spent some time with me. So thanks to every one of you. Jaldi hi milenge wapas. And those who want to join the workshop can definitely join. You are open to join the workshop. From today onwards, you can start booking your seats. So thank you. Thank you, everyone. Thanks Vivek ji for a wonderful session. Thanks thank a lot. Thank you. Let us connect again. Yes, we will.